डियर स्टूडेंट्स, गुड डे टू यू। बच्चों, इसके पहले हम आपको पास्ट परफेक्ट तक का पैसिव वॉइस बताई थी, आज हम आपको फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बताएंगे। जैसे वाक्य रहे, आई शैल बाई अ बुक टुडे। अब पहले हम बताए हैं जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है। यहां है व्हाट बाई, क्या खरीदा, ए बुक। किसी भी वाक्य के वर्ब में व्हाट या हुम का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है, और जब ऑब्जेक्ट ज्ञात हो जाता है तभी उस वाक्य का पैसिव बनता है। क्या खरीदा, अ बुक। तो पहले हम लिखेंगे अ बुक विल बी, सेल और विल का पैसिव हम उधर लिखाए हैं, बी आगे बढ़ जाता है। यदि यहां पर सब्जेक्ट आई बी रहता तो हम सेल बी करते, और नहीं तो हम यहां विल बी करेंगे। ए बुक विल बी बॉट टुडे बाय मी। ए बुक विल बी बॉट टुडे बाय मी। किताब मेरे द्वारा खरीदी जाएगी। उसी तरह से इसका निगेटिव देखिए, ही विल नॉट कॉल मी। वह मुझे नहीं बुलाएंगे। किसको नहीं बुलाएंगे, मुझे। तो पहले हो जाएगा आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी मेन वर्ब का थर्ड पार्ट कॉल्ड बाई हिम। आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाई हिम, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। यहां हुम का प्रश्न करने पर देखिए उत्तर आ रहा है, भाई हुम यू विल नॉट, हुम ही विल नॉट कॉल, किसको नहीं बुलाएगा, मुझे। तो मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ शैल, I shall not be called by him। यदि helping verb active में पहले रहता है तो passive में भी helping verb पहले हो जाएगा। जैसे will you not sing a song, will you not sing a song, क्या गाएगा, is a song। तो पहले will को हम यहां उतारेंगे नीचे, will a song not be, विल अ सॉन्ग नॉट बी मेन वर्ब का थर्ड पार्ट नॉट बी संग बाई यू। विल ए सॉन्ग नॉट बी संग बाई यू, गीत आपके द्वारा नहीं गाई जाएगी। इसी तरह से यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता हो तो
हिंदी में अगर बीच में रहता है तो अंग्रेजी में पहले हो जाता है, और प्रश्नवाचक शब्द को हु को छोड़ करके जो का त्यों नीचे उतार देते हैं। वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, क्या नहीं खेलोगे क्रिकेट। अब वाई को हम जो कहते हो नीचे उतार देंगे। वाई विल क्रिकेट नॉट प्लेड, वाई विल क्रिकेट नॉट प्लेड और बाई यू। आखिरी है हु से जब वाक्य आरंभ होता है तो हु का बाई हुम हो जाता है, जैसे हु विल टीच यू, हु का बाई हु, विल का विल बी, बाई हुम विल बी टाट, बाई हुम विल यू बी टाट, किसको पढ़ाएगा तुम्हें, बाई हुम विल यू बी, मेन वर्ब का थर्ड पार्ट। अब हु का हम लिख दिए बाई हुम, किसको पढ़ाएगा तुम्हें, बाई हुम विल यू बी टाट। यह हमारा था पैसिव वॉइस फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस का। अब आगे हम बताएंगे आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, अगले दिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।